न्यू बैच इन्फॉर्मेशन, मैं आपको एक बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जिसकी जो आपका 18th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाला है। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ भावना शर्मा, आई एम अ करियर साइकोलॉजिस्ट एट प्लूटस IAS। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ न्यू बैच इन्फॉर्मेशन, मैं आपको एक बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जिसकी जो आपका 18th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाला है। एक न्यू बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है जिसकी टाइमिंग आपकी रहेगी 8 AM टू 2 PM। स्टूडेंट, ये आपका स्लॉट टाइमिंग रहेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी 8 to 2 लगातार क्लासेस होने वाली हैं। दिस इज़ ओनली योर स्लॉट टाइम। इसमें आपका लाइक 1 to 2 आवर्स की क्लासेस होंगी और बीच बीच में आपका गैप रहेगा, ठीक है। सो इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि हमारा बैच कैसे कैसे रहता है और क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे बैच में। सो इस बैच का नाम है आपका GS फाउंडेशन कोर्स फॉर UPSC, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन जो रहती है वो 1 year रहती है, 1 year दैट मीन्स 11 to 12 months, ठीक है। इसका ड्यूरेशन टाइम 11 टू 12 मंथ्स होता है। इसमें हम लोग क्या 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 प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको। सबसे पहले जो हमारा बैच साइज होता है बहुत ही मिनिमल होता है, 40 to 50 स्टूडेंट होते हैं हमारे एक बैच में। और बैच साइज मिनिमल रखने का मेन रीज़न यही है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 1-to-1 फैकल्टी से इंटरेक्ट कर पाएँ, 1-to-1 अपनी क्वेरी ले पाएँ। दैट्स वाई हम लोग इतना मिनिमल बैच साइज रखते हैं। ये भी हमारा 3 मोड्स में होता है, फर्स्ट ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड हाइब्रिड। इसमें भी आपका ऑनलाइन में आपके 10-to-12 स्टूडेंट होते हैं, ऑफलाइन में आपके 20-to-25 होते हैं एंड हाइब्रिड में आपके 10-to-15 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये होता है, इसमें 10-to-12 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 20-to-25 एंड हाइब्रिड 10-to-15। फिर जो हमारा कोर्स होता है उसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। कोर्स में आपका GS प्री प्लस मेंस, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस, देन आपका CSET, एसे राइटिंग सेशंस, आंसर राइटिंग सेशंस, मॉक टेस्ट एंड देन आपका आ जाता है इंटरव्यू, ठीक है। दैट मीन्स आपका प्री से लेके इंटरव्यू तक सब कुछ आपका यहीं पे कवर होता है, आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन स्टडी मटेरियल में भी हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टडी मटेरियल में आपका GS की 6 बुक्स प्रोवाइड होती हैं, इसके अलावा फैकल्टी के हैंड रिटन नोट्स, जो कभी आपको PPT में मिलते हैं, कभी आपको PDF में मिलते हैं और कभी आपके प्रिंटआउट्स में। सो इस तरीके से हमारा ये बैच होता है आपका। अब इसमें और थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या क्या होता है। लाइक स्टडी मटेरियल में मैंने आपको बताया कि GS की 6 बुक्स होती हैं आपकी, साथ में फैकल्टी के हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो कभी PPT में, कभी PDF में और कभी प्रिंटआउट्स नोट्स में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको डे टू डे PDF प्रोवाइड कराई जाती है। जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद आपको एक टेलीग्राम चैनल पर ऐड ऑन किया जाता है, वहाँ पर आपको डे टू डे PDF प्रोवाइड कराई जाती है। एंड देन आपका जो करंट का डिस्कशन होता है वो फिर आपका सैटरडे की क्लासेस में होता है। जो भी आप PDF पढ़ेंगे उसमें से आपको रेलेवेंट भी जानना होगा, सो उसके लिए जो हमारा डिस्कशन होता है वो फिर आपका सैटरडे की क्लासेस में होता है। सैटरडे में आपकी जो क्लास रहती है वो आपकी 11:30 to 1:30 होती है फॉर करंट, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको न्यूज़पेपर के बारे में बताया कि हम लोग न्यूज़पेपर प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हम 2 न्यूज़पेपर आपको प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका द हिंदू एंड सेकेंड आपका द इंडियन एक्सप्रेस।
अब इसमें क्या होता है, इसमें ना आपका ऐसा है कि वैसे तो आपको डे टू डे पीडीएफ ही प्रोवाइड कराई जाती है, बट ऐसा नहीं है कि 15-16 पेजेस का आपको पीडीएफ पूरा ऐसे दे दिया जाएगा, तो उसको तो पढ़ने में आपको टाइम भी लगेगा और ये बहुत लेंथी भी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लेना होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको रेलेवेंट पीडीएफ में जो भी रेलेवेंट होता है, लाइक आज कोई टॉपिक आपका क्लासरूम में हुआ है, सो दैट टॉपिक से रिलेटेड उस डे की जो भी न्यूज़ होगी उसका रेलेवेंट जो भी, उससे रेलेवेंट जो भी होगा वो आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड कराया जाता है। एंड हिंदू और न्यू इंडियन एक्सप्रेस के जो भी आर्टिकल आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं वो इसमें आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। देन जो इसका फिर एनालिसिस होता है, मतलब डे टू डे आपको सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ मिल जाएगी, फिर जो इसका एनालिसिस होता है वो भी आपका सैटरडे की क्लासेज में होता है। इसके अलावा सैटरडे में ही आपके डाउट सेशंस होते हैं एंड आपका वीकली टेस्ट होता है, ठीक है। डाउट सेशंस भी ऐसा नहीं है कि आप डे टू डे में डाउट सेशंस नहीं ले सकते हैं, बट दैट डे आप, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको डे टू डे डाउट सेशंस लेना पसंद नहीं होता, पसंद का मतलब वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, सो वो कोई एक डे रख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे सैटरडे को डाउट सेशंस रखे जाते हैं। एंड जो भी आपका वीक में हो गया है, टॉपिक हो गया है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ उसका एक वीकली टेस्ट होता है आपका, ठीक है। देन आपका जो सीसेट स्टार्ट होता है वो आपका दिसंबर में स्टार्ट होता है। सीसेट में आपके 3 सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं, फर्स्ट रीजनिंग, सेकंड मैथ्स एंड थर्ड इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एसए की जो क्लासेस होती हैं आपकी, एसए के जो सेशंस होते हैं वो आपके जनवरी में स्टार्ट होते हैं, बट उससे पहले आपके लिए 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट आपका डेली नोट्स मेकिंग सेशन एंड सेकेंड आपका आंसर राइटिंग सेशंस, ठीक है। डेली नोट्स मेकिंग सेशंस लाइक आप अपने हैंड से नोट्स बनाते हो, क्योंकि सबको पता है कि आप लोगों को पता है कि मेंस में जो आपका पेपर होता है वो प्रॉपर रिटन मैनर में होता है, तो दैट मीन्स लिखने की प्रैक्टिस आप लोगों को काफ़ी चाहिए होती है, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है जब आप डेली नोट्स बनाते हो क्लासरूम में एंड आप आंसर राइटिंग सेशंस लेते हो। इसमें हमारे जो टीचर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि आंसर्स को कैसे आर्टिकुलेट करना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि आपका प्रेस्क्राइब टाइम होता है वहाँ पे एग्जाम में लिखने का, तो उस टाइम लिमिट में कितने आप वर्ड्स लिख सकते हैं जो रेलेवेंट होंगे आपके, या किस टाइप से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपने आंसर को, सारी चीज़ें यहाँ पे आपके आंसर राइटिंग सेशंस में सिखाई जाती हैं। फिर जब आपकी एक प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, देन फिर जनवरी में आपके प्रॉपर सेशंस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये पूरा कोर्स आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है, देन फिर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, और उसके बाद जब मॉक टेस्ट मेंस आपका क्लियर हो जाता है, देन आपको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस एंड मेंटोरशिप दी जाती है। सो इस बैच के बारे में इतना ही था, ठीक है। 18 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, जिसकी टाइमिंग आपकी रहेगी 8 AM to 2 PM। सो जो भी बच्चे एनरोल कराना चाहते हैं वो एनरोल करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशंस आपके ओपन हैं। आई होप कि रेलेवेंट आपके लिए रहा होगा ये न्यूज़। सो थैंक यू।